हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। डेटाबेस में टेबल कौन सी यूज़ होती हैं और डेटाबेस को लॉन्च कैसे करते हैं। आज हम ये देखेंगे डेटाबेस को लॉन्च कैसे करते हैं, मतलब उसको ओपन कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ओपन ऑफिस को लॉन्च करने के लिए आप स्टार्ट में जाएंगे, प्रोग्राम्स में ओपन ऑफिस ORG 3.4.1 होगा, उसके अंदर ओपन ऑफिस ORG पे क्लिक करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप डबल क्लिक कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होगा ओपन ऑफिस 3.4.1 का। तो इस पर डबल क्लिक करोगे तो यू शुड सी ए विंडो सिमिलर टू द डिस्प्ले बिलो। जैसे ही आपने इसके शॉर्टकट पे क्लिक किया, ये सेम जो विंडो है ये वाली ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपके पास देखो कई सारे ऑप्शन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, फॉर्मूला। तो आपको इसमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटाबेस पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। तो क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस डॉट BRG बेस। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, जैसे आपने मान लो डाटाबेस क्रिएट करना है तो डाटाबेस विजार्ड पे क्लिक करोगे, डाटाबेस विजार्ड का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट एंड सेव एंड प्रोसीड। आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट, यू कैन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस सिलेक्टिंग ऑप्शन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस। तो इस पर क्लिक करा आपने, यू कैन ऑल्सो ओपन एन एग्जिस्टिंग। आप पहले से बना हुआ डाटाबेस भी ओपन कर सकते हो जो पहले से बना हुआ है, और अगर खुद का करना है तो क्रिएट ए न्यू डाटाबेस पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर पहले से बना हुआ है तो आप इसको ओपन करके क्रिएट उसके अंदर यूज़ करके कुछ नेक्स्ट ऑप्शन सेव कर सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल दैट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड बाय ऑप्शन ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। जैसे मान लो आपको पहले से कोई बना हुआ खोलना है तो ओपन करो पहले उसको। ओपन करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डाटाबेस को जैसे आपने ओपन किया, उसके बाद आपने क्या किया, ऑप्शन नेक्स्ट पे क्लिक किया। एग्जिस्टिंग को इसमें अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्टर द डाटा फॉर मी, ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग। अगर आपने ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग पे क्लिक किया, मतलब वो पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है, आपने उसमें एडिटिंग करनी है। वो करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। टू सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, वहाँ पे आपने कोई भी डेटाबेस का नेम दे देना है और उस पर सेव पे क्लिक कर देना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या आएगा, ये देखिए सेव एज पे डाला, आपने डेटाबेस का नेम दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस का नेम दिया, फिर सेव पे क्लिक किया और फिनिश पे क्लिक कर दिया। देखिए तो अब जब ये डेटाबेस को आप ओपन करते हो, डेटाबेस के फोल्डर को, तो इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं, टेबल्स का, क्वेरीज़ का, फॉर्म्स का और रिपोर्ट्स का। और मैंने आपको बताया था कि दो टाइप से आप इसको क्रिएट कर सकते हो, तीन टाइप से। क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू यूजिंग विजार्ड टू क्रिएट टेबल, देखो ऊपर टास्क के नीचे लिखा हुआ है। तो हमने पहले विजार्ड से करना सीखा है कि डेटाबेस विजार्ड से कैसे ओपन करना है। टेबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डाटाबेस। हम टेबल्स को क्या कह देते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, कि एक डाटाबेस को क्रिएट करने का एक बेसिक है, मतलब एक डाटाबेस क्रिएट करने का सबसे पहले टेबल से ही हम डेटाबेस बनाते हैं। यू स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये हमें पता ही है कि हम डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं। पहले एक्सरसाइज में भी हमने देखा था कि क्रिएट डाटाबेस को क्रिएट कैसे करना है ओपन ऑफिस में। अब इस एक्सरसाइज में क्या देखेंगे, हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन ए डाटाबेस। अब टेबल कैसे क्रिएट करनी है, डेटाबेस क्रिएट करना मैंने सिखा दिया यूजिंग विजार्ड से आपको कैसे करना है। अब क्रिएट टेबल पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन ए क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। देखो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन सॉरी, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये आपका डायलॉग बॉक्स पर टेबल वाला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेसिफाई द फील्ड नेम। फील्ड नेम मैंने आपको बताए थे, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट रोल नंबर, इस तरह से फील्ड नेम बताने हैं आपको। फिर उसके बाद फील्ड टाइप में आपको बताना है कि कौन सा टाइप है, वेर कैर, न्यूमेरिक, जो आपके उसके डेटा टाइप आपको समझाए थे मैंने, वो आपको बताने हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, किस लिए यूज़ हो रहा है वो, तो वो भी आप बता सकते हो। तो ये जैसे इसमें एग्जांपल भी दिखा रखा है कि नेम लिया उसने, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फोन, ईमेल, कलर, लोकेशन। तो ये नेम को उसने वेर कैर में सेव किया, रोल नंबर को टीनी इंट में, डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई थी डेट में सेव करते हैं। तो लेंथ साइड में उसने लेंथ सेव किया है कि 50 तक ले सकते हैं आप कोई नेम, 3 तक रोल नंबर ले सकते हैं, इस तरह से उसकी लेंथ भी सेव कर दिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, फाइल में सेव पे जाओगे, सेव में जाने के बाद ये देखो ये सारा आपके पास आ जाएगा कि कितने हमने फील्ड लिए हैं और कितने उसकी लेंथ ली है। उसके बाद वो टेबल का नेम पूछेगा, टेबल का नेम आपने दे दिया, जैसे इसने दे दिया SDTAIL। नेम देते ही
आपने ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद पूछेगा कि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है, आप इसमें प्राइमरी की क्रिएट करना चाहते हो, आप बोलोगे यस। तो अगर यस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, प्राइमरी की आपकी क्रिएट हो जाएगी। प्राइमरी की क्रिएट होते ही आप टेबल को यूज़ कर सकते हो। इसमें प्राइमरी की जैसे रोल नंबर है, आप उसको प्राइमरी की बना सकते हो। तो इफ़ यू क्लिक येस द एप्लीकेशन विल सेट द प्राइमरी की फॉर द फर्स्ट फील्ड क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो ये वैसे तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट जो फील्ड होता है उसको प्राइमरी की से बना देता है, लेकिन अगर आप स्पेशली कोई डिफाइन करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करके आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिकली जो आपका फर्स्ट फील्ड दिया होता है, रोल नंबर हो या फिर सीरियल नंबर हो, उसको क्रिएट कर देता है एज ए प्राइमरी की। नोट उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद, यस पे क्लिक करने के बाद आपका जो टेबल है एस डिटेल के नाम से वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एक रिकॉर्ड्स, ये हमने इस नाम से एक टेबल क्रिएट करी है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फ़ोन नंबर, ईमेल, कलर और लोकेशन, ये सारा कुछ सेव है। अब हमने ये तो देखो फील्ड बनाना तो सीख लिया कि टेबल क्रिएट करी, टेबल के अंदर फील्ड दे दिए, उसके डेटा टाइप हमने स्टोर कर दिए, अब उसके अंदर वैल्यूज़ भी तो डालनी है, खाली टेबल तो यूज़ की नहीं है अगर टेबल्स के अंदर हम वैल्यूज नहीं डालेंगे। जैसे हमने ऊपर वाला फील्ड बना लिया, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फ़ोन, ईमेल, कलर, लोकेशन, ये हमने क्रिएट कर लिए, इनको क्या बोलेंगे हम, डेटा फील्ड्स बोलेंगे। अब इनके अंदर वैल्यूज़ भी डालनी है, वो कैसे डालेंगे हम, इंसर्ट वैल्यू कैसे करेंगे, जस्ट डबल क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर, जो जैसे एस डिटेल के नाम से आपने टेबल बनाई है उस पर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करते ही देखो नीचे वाली ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास। अब इसमें जो भी आपने फील्ड बनाए थे वो ऊपर आ रहे हैं, जैसे आईडी, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अब उसमें आप वैल्यू डालते जाओ, जितनी भी आपने डालनी है आईडी के अंदर उसकी आईडी, नेम के अंदर उसके नेम, रोल नंबर। तो ये सब करने के बाद, वैल्यूज़ डालने के बाद आपको फाइल में जाना है, सेव करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। देखो स्टूडेंट्स, ये दो तरीके से होती है फाइल क्रिएट। इसमें एक तो मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन व्यू से, कि आपने टेबल डिज़ाइन किया, उसके अंदर डेटा डाला और सेव कर दिया, और एक होता है एसक्यूएल कमांड से। एसक्यूएल हमारे पास एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम। ये लैंग्वेज किस लिए होती है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। इसमें हम कमांड्स के थ्रू डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे कि एसक्यूएल के थ्रू हम कैसे टेबल्स को, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू।